Hello students. In this session, we'll be taking up previous year questions from SNAP examinations related to topic permutations and combinations. But firstly, let us discuss some basics of PNC in very short. So PNC is what selection and arrangement. Do we hai any So either the questions are based on selection or they are based on arrangement. When they are based on selection, we do combination, which is NCR, selecting R objects out of N. And when there is arrangement, we have to do permutation, which is nothing but first selection, selecting R objects, and then we have to arrange those R objects. So that is NCR into R factorial, that is also represented as NPR. ठीक है सो so, सिलेक्शन में हमें क्या करना है कंबाइन करना है एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है फॉर्मूला विल बी एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड फॉर एन पी आर वी हम अरेंज करेंगे सिलेक्शन करने के बाद में सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दैट मस्ट बी क्लियर नाउ फॉर एग्जाम्पल फ यू हैड टू सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ फाइव सो देट विली फाइव फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू फाइव ऑनली या इन जनरल है, पांच में से एक सेलेक्ट करना है तो या तो पहला सेलेक्ट करेंगे या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ फाइव पॉसिबिलिटीज आती है सो फाइव सी वन इज इक्ल टू फाइव या इन जनरल एन में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा एनसी वन इंट ऑल इज इक्वल टू एन सिमिलरली अगर एन में से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है तो एनसी जीरो विल भी इक्वल टू वन बिकॉज एक ही तरीका होगा लास्टली अगर हमें एन में से एन माइनस आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं दो दैट इज एज गुड एज एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बिकॉज जब हम आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो एन माइनस आर को रिजेक्ट भी कर रहे हैं दैट इज़ वाई एन सी एन माइनस आर विल ऑलवेज भी इक्वल टू एन सी आर तो जो कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी पड़ेगा उसको हम यूज कर लेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है ट्वेल्व में से हमें नाइन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो ट्वेल्व सी नाइन इज डिफिक्टू कैलकुलेट सो इंस्टेंट विल कैलकुलेट ट्वेल्व सी ट्वेल्व माइनस नाइन यानी कि ट्वेल्व सी थ्री दोनों ही बातें ओके okay. और अगर ट्वेल्व सी थ्री हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि 12 के के पहले तीन टर्म्स लिखेंगे स्टार्ट so so करते हैं और बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्वेश्चन में ही सीखते चलेंगे अच्छा अगर हमें लीनियर अरेंजमेंट करना है एन ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें लीनियरली अरेज करना है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे एन फैक्टोरियल फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइव ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं पांच प्लेसेस पे तो पहले प्लेस के लिए पांच ऑप्शन एक बार पहले प्लेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को फिल कर दिया अब हमारे पास चार ऑब्जेक्ट बचे दूसरे प्लेस के लिए चार ही ऑप्शन है यहां भी एक ऑब्जेक्ट फिल कर दिया तो अब तीन ही बचे तो थ्री ऑप्शन फॉर द थर्ड एंड सो ऑन सो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू इंटू वन यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे फाइव के लिए या इन जनरल एन के लिए एन अरेंजमेंट होंगे और यही एन ऑब्जेक्ट्स को अगर सर्कल अरेंजमेंट करना है एक सर्कल में अरेंज करना है बिकॉज़ सर्कल में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो सर्कल का तो जहां से आप स्टार्ट करो ठीक so है के okay. like नेकलेस और समथिंग लाइक दैट जहां कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मैटर नहीं करता है वहां पे नेकलेस टाइप के केस में जहां कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मैटर नहीं करता है वहाँ पे हमारे अरेंजमेंट तो 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 अपना पहला आज का फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिक्स लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म स्टार्टिंग विद एम फ्रॉम द वर्ड कस्टम सो कस्टम से हमें वर्ड्स बनाने हैं सिक्स लेटर के वर्ड्स कस्टम इज ऑलरेडी मेड ऑफ सिक्स लेटर्स यही सिक्स लेटर्स को हमको यूज़ करना है बट कंडीशन क्या है दैट वर्ड शुड स्टार्ट विद एम यानी कि एम को तो हमने पहले ही पहले प्लेस पर रख दिया तो यानी कि बाकी पाँच प्लेसेस पर हमें बचे हुए पाँच लेटर्स को अरेंज करना है क्या तरीके होंगे फाइव फैक्टोरियल स्ट्रेट अवे यानी कि वन टू जीरो ओके अगर क्वेश्चन ये कहता कि स्टार्ट करना है एम से और फिर उसके बाद में स्टेटमेंट को वर्ड को एंड करना है हमें यू से तो एम और यू को फिक्स कर दिया हमने उस केस में तरीके हो जाते हैं फोर फैक्टोरियल यानी कि ट्वेंटी फोर इंस्टेंट अगर क्वेश्चन ये कहता कि हमको एम एंड यू से स्टार्ट कर या करना है या एंड करना है यानी कि या तो हम एम से स्टार्ट करें यू से एंड करें या यू से स्टार्ट करें एम से एंड करें ये बीच में नहीं आने चाहिए तो पहले बीच के चार के लिए चार लेटर्स बचे हमारे पास वो अरेंज हो जाएंगे फोर फैक्टोरियल तरीके से और फिर ये जो स्टार्ट और एंड वाले दो हैं यहां पे एम और यू को दो फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं टू फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो फोर फैक्टोर इंटू टू आंसर क्लियर है सो so, ये छोटे से एक्साम्पल और समझ लिया स्टार्ट में इस क्वेश्चन में तो आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एस्ट्रोनॉट कैन बी अरेज अब यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो नाइन फैक्टोरियल तरीके से वी कैन अरेंज बट यहाँ पे एक और चीज है दैट देर आर टू एज टू टाइम्स है एंड देर आर टू टीज एज वेल सो अगर हमारे सिमिलर चीजें हैं दो लेटर्स हैं ए ये आपस में अरेंज होंगे तो ये तो एक ही तरीके से अरेंज होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें कोई वर्ड लेटर्स से हमने लिखा एप्पल ठीक है सो so, एप्पल में अगर पी पी वन, दिस पीएस दिस पीएसू तो अगर इनको आपस में अरेंज करेंगे तब भी तो एप्पल ही बनने वाला है

कॉमन वैल्यूज को जरूर याद रखना है कि फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स इज़ वन ट्वेंटी इंटू सिक्स ट्वेंटी सेवन फैक्टोरियल सेवन ट्वेंटी इंट सेवन विच इज इक्वल टू फाइव जीरो फोर जीरो एंड देन एट फैक्टोरियल टू फाइव जीरो फोर जीरो इंटू एट यानी कि फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सो ये आ गया नाइन इंटू टू इंटू फाइव जीरो फोर जीरो नाइन इंट वन डबल जीरो एट जीरो थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी आंसर ऑप्शन बी क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इन एन इंस्टीट्यूट एमबीए एग्जाम इज कंडक्टेड एंड सेक्शनल कट ऑफ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू इट एनी कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द एग्जाम कैन नॉट अनलेस ही क्वालिफा द सेक्शनल कट ऑफ इफ देर आर फोर सेक्शन इन द पेपर देन वॉट इज द नंबर ऑफ वेज एन एप्लीकेंट मे फेल इन द एग्जाम कितने तरीकों से एक, एक एप्लीकेंट फेल हो सकता है यह पता लगाना है क्योंकि चारों जो सेक्शंस हैं चारों में पास करना इज कंपल्सरी तभी हम पास माना जाएगा एक स्टूडेंट सो डेफिनेटली पास करने का तो एक ही तरीका है कि चारों में पास हो फेल करने के तरीके क्या होंगे देखो हर एक सब्जेक्ट में हर एक सेक्शन में सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री एंड सेक्शन फोर हर एक सेक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है या तो स्टूडेंट कट ऑफ को क्लियर करेगा या नहीं करेगा भाई क्लियर करेगा नहीं करेगा क्लियर करेगा या नहीं करेगा सो so दो दो ऑप्शन हैं हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में यानी कि दो चॉइसेस अवेलेबल हैं इट्स और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल केसेस कितने बनेंगे हमारे पहले सेक्शन में भी दो चॉइसेस हैं दूसरे में भी दो चॉइसेस हैं तीसरे में भी दो चौथे में भी दो यानी टू इंटू टू इन टू टू इंटू टू 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 द पावर फोर आएगा टोटल चॉइस टोटल केसेज होंगे सिक्सटीन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है जो प्रॉबिलिटी मैंने डिस्कस किया था कि हमें कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पर एड करना है जहां जहाँ पे भी एंड होगा वहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और जहां जहाँ पे भी और होगा वहां पे हमें एडिशन करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे है कि सेक्शन वन में दो चॉइसेस हैं एंड देन सेक्शन टू में भी दो चॉइसेस हैं एंड देन ऐसा नहीं है कि सेक्शन वन में पास करे या फेल करे या सेक्शन टू में पास करे या फेल करे वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है रिजल्ट सो right, so? सारे ही सेक्शंस के बारे में बात करनी है हमको इसलिए यहाँ पे एंड है यहाँ पे डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे हम टू इंटू टू इंटू टू टू सिक्सटीन टोटल केसेज बनेंगे एक केस ऐसा है जिसमें कि वो पास करेगा पास करने का एक केस है सो अवर आंसर भी सिक्सटीन माइनस वन यानी कैन फेल क्लियर है okay? general, हम बात क्योंकि हर एक के लिए दो थी, तो पावर फोर तरीके थे टोटल और इसमें से एक तरीका है पास होने का टू टू दावर फोर माइनस वन यानी आंसर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल कह रहा है इन हाउ मेनी लेटर्स ऑफ वर्ड पोटिका कैन बी अरेंज्ड ऑर्ड पोजिशन पे ही आएंगे ये हमारा क्वेश्चन की कंडीशन है हमारे हैं कितने ओ आई और ए तीन वॉवल्स हैं टोटल सिक्स लेटर्स हैं तो यानी कि वन थ्री और फाइव ऑर्ड पोजिशन पे वॉवल्स ही आने वाले हैं और बचे हुए तीन हमारे कॉन्सोनेट्स हैं तीन वॉवल्स हैं तीन कॉन्सोनेट्स हैं एग्जैक्टली फिटिंग कैसे ठीक है सो so, हमारे तीन वॉवल्स को ऑर्ड पोजिशन पर अरेज करेंगे यानी कि पहले वाले प्लेस पे तीन में से कोई भी आ सकता है फिर थर्ड वाले पे दो वॉवल्स बचे फिर एक वॉवल बचा तो वॉवल्स अरेंज हो गए सिमिलरली कॉन्सोनेंट अब जो बचे हैं या जो जो भी लेटर्स बच गए तो अब हमारे पास कॉन्सोनेंस ही बचे हैं वॉवल्स तो सारे एग्जॉस्ट हो गए तो उनको फिल करेंगे यहाँ के लिए तीन ऑप्शन है फिर यहाँ दो ऑप्शन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन या इन जनरल बात करें तो दिस इज थ्री फैक्टोरियल इन टू तो थ्री फैक्टोरियल ठीक है इजी क्वेश्चन था बिकॉज एकदम एग्जैक्टली फिटिंग केस है कि जितने हमारे वॉवल्स हैं उतने ही कॉन्सोनेट्स थे और इवन नंबर ऑफ लेटर्स थे ठीक है पर अगर मान लो कि इसकी बजाय क्वेश्चन ऐसा होता ठीक है इसी क्वेश्चन में समझ देते हैं बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगली बार क्वेश्चन है तो वो भी ऐसा ही हो कि सेवन लेटर्स होते और जिसमें से थ्री वोवेल्स हैं ठीक है या लेटर्स से सिक्स लेटर्स ही मानते हैं फोर वोवेल्स कर लेते हैं इस बार फोर वॉवेल्स हैं और टू कॉन्सनेंट्स हैं तो क्या होगा वॉवल्स ऑड पोजिशन ऑक्यूपाई करेंगे जो भी ऑड पोजिशन है वो वॉवल्स ही ऑक्यूपाई करेंगे ऑड पोजिशन है कितनी हमारी तीन ऑड पोजिशन है जबकि वॉवल्स हमारे चार हैं तो पहला काम हमें यह करना पड़ेगा इन चार वॉवल्स में से तीन वॉवल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिनको ऑर्ड पोजिशन पर फिलअप करेंगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा फोर सी थ्री तरीके से सेलेक्ट करेंगे देन अब ये जो तीन सेलेक्ट कर लिए इनको फिलअप कर देंगे और अब जो लेटर्स बच गए हैं उनको बाकी जगह फिलअप कर देंगे यानी कि तीन लेटर्स जो बच गए जिनमें से कि एक वॉवल है दो कॉन्सोनेंट है उनको थ्री फैक्टोरियल तरीके से बाकी प्लेसेस में फिलअप कर देंगे क्लियर है सो दैट विल बी अवर आंसर जब सेम है तब तो बहुत ईजी है बट जब सेम नहीं है तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन से वॉवल्स को कहां पर फिट इन करेंगे इसके बाद में फिर अरेंजमेंट करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आंसर हो गया थर्टी सिक्स सिक्स इंटू सिक्स का नेक्स्ट वन इज इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज द वर्ड्स कैप स्टोन सो दैट ऑल द दर्वल्स कम टुगेदर इस तरह से हमें अरेंज करना है सो दैट ऑल द वॉवल्स कम टूगेदर ओके नंबर ऑफ वॉवल्स है कितने इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट लेटर्स है टोटल जिसमें से वॉवल है ए देन ओ देन ई तो थ्री वॉवल्स हैं एट लेटर्स हैं थ्री वॉवल्स हैं तो क्या करेंगे सारे वॉबल्स को क्लब करना है क्योंकि सबको साथ में ही रखना है तो अगर तीनों के तीनों वॉवल्स को हमने क्लब कर दिया ए ओ और ई e को साथ में ही रखा अब बचे हुए लेटर्स हमारे कितने बचे सी पी एस टी एंड एन यानी कि पांच हमारे ये लेटर्स बचे और एक ये ग्रुप है टोटल सिक्स ग्रुप्स हैं वन प्लस फाइव यानी कि सिक्स हमारे पास ग्रुप्स हैं जिनको अरेंज करना है आपस में तो अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे six factorial. Clear है और साथ में हमें e, ये जो ग्रुप में रखे हैं ये आपस में तो arrange हो सकते हैं साथ में रहेंगे पर आपस में तो अरेंज हो सकते हैं कि पहले कभी और और e, e, e या फिर ए आए e या आए e तो इनको आपस में अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे थ्री फैक्टोरियल और ये दोनों काम करने मल्टीप्लाइड बाई थ्री फैक्टोरियल आंसर विल बी सेवन ट्वेंटी इंटू सिक्स फोर थ्री टू जीरो ओके okay. क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट वन देर आर टेन स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट दैट आर रिक्वायर्ड बाई द अथॉरिटीज क्या अप्रोच होगा यहां पे टेन स्टेशन है नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स तो अब सबसे पहले ये कोई भी जर्नी टिकट जो होगा उसमें एक हमारा डिपार्चर स्टेशन होगा और एक अराइवल स्टेशन होगा एक जहां से हम निकलेंगे एक जहां को पहुंचेंगे एक डिपार्चर होगा एक अराइवल होगा दो स्टेशन हमें चूज करने होंगे so? तो हमेशा कोई भी जो टिकट होगा वो दो स्टेशन के बीच में होगा तो सबसे पहले दस में से दो स्टेशन हमें चूज करने पड़ेंगे टेन सी टू तरीके से दो स्टेशन चूज हो जाएंगे हमारे लेकिन एक बार हमने चूज कर लिए तब भी ऐसा केस बन सकता है ना मान लो स्टेशन ए और बी है कि एक टिकट होगा ए से बी जाने का और एक टिकट होगा बी से ए आने का यानी कि हर एक दो के कॉम्बिनेशन दो के पेयर के लिए टोटल दो टिकट होंगे यानी कि फोर्टी फाइव इंटू टू टोटल नंबर ऑफ टिकट विल बी इक्वल टू नाइनटी आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा ओके okay. सो so, आसान सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एबेकस बी अरेज सच दैट वॉवल्स ऑलवेज अपियर टूगेदर एबेकस में क्या है ए एंड यू टोटल थ्री वॉवल्स हैं और वॉवल्स को हमें साथ में रखना है तो वॉवल्स का हमने एक ही ग्रुप बना दिया अब बच गए बी सी और एस टोटल हमारे चार ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा अरेंज तो हो सकते हैं तो वॉवल्स आपस में अरेज होंगे थ्री फैक्टोरियल तरीके से और क्योंकि दो ए है यहाँ पे तो वो आपस में अरेंज होंगे वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा उनका डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल आंसर विल बी ऑप्शन डी क्लियर है

फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स यानी कि एक्स फैक्टोरियल आ गया एक्स फैक्टोरियल क्या है फिर थ्री फैक्टोरियल तो है एक्स इज कल टू थ्री सो एन सी थ्री की वैल्यू हमें गिवन है फिफ्टी सिक्स एंड यू कैन ऑब्जर्व फिफ्टी सिक्स इज वॉट एट इंटू सेवन सो डेफिनेटली दिस विल बी एट सी थ्री यानी कि एट इंटू सेवन इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल विच इज सिक्स ऑनली ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा क्लियर है ओके सो वेरी इजी क्वेश्चन अब तो ऐसा सवाल नहीं आएगा बट अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि अगर आता है तो फिर अपन 10-20 सेकंड में निपटा दें उसको नेक्स्ट वन इन अ क्लास ऑफ 42, टू देर आर ट्वेंटी टू बॉयज एंड ट्वेंटी गर्ल्स द क्लास टीचर हैज़ टू अपॉइंट अ गर्ल मॉनिटर एंड अ बॉय मॉनिटर एंड हाउ मेनी वेज कैन द सेलेक्शन बी मेड तो एक तो गर्ल मॉनिटर चाहिए और एक बॉय मॉनिटर चाहिए दोनों चाहिए एंड लिखा हुआ है दोनों चाहिए ठीक है एक गर्ल मॉनिटर सेलेक्ट करना है कितने में से ट्वेंटी गर्ल्स में से तो ट्वेंटी सीवन तरीके से सेलेक्ट होगा बॉय मॉनिटर ट्वेंटी टू सीवन तरीके सेलेक्ट होगा तो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी टू यानी फोर फोर्टी तरीके क्लियर जस्ट इन केस अगर इस क्वेश्चन में यहां पे क्वेश्चन पूछता कि एक गर्ल मॉनिटर चाहिए या फिर और होता है यहां पे या फिर एक बॉय मॉनिटर चाहिए दोनों एक साथ नहीं चाहिए या तो गर्ल मॉनिटर चाहिए या बॉय मॉनिटर चाहिए है, तो वहां पे हमें पता है कि ट्वेंटी सीवन तरीके से गर्ल मॉनिटर चूज होता ट्वेंटी टू सीवन तरीके से बॉय मॉनिटर चूज होता और क्योंकि और है यानी कि एडिशन होता है टोटल तरीके हमारे फोर्टी टू होते अगर चॉइस होता कि दोनों में से कोई एक ही रखना है या इंजनर भी समझ सकते हो दोनों में से कोई एक ही रखना है टोटल फोर्टी टू बच्चे हैं तो उनमें से ही कोई एक सेलेक्ट करना है फोर्टी टू सीवन स्ट्रेट अवे हो गया क्लियर है और क्योंकि एंड है इसलिए मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी सेवन डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट फाइव टू थ्री टू वन जीरो एंड फाइव टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं सेवन है बट यहां पे पंगा क्या क्योंकि हम नंबर बना रहे हैं नंबर बना रहे हैं और नंबर अगर बनाएंगे तो स्टार्ट में जीरो नहीं आ सकता क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो आ जाएगा तो नंबर सेवन डिजिट का नहीं होगा फिर सिक्स डिजिट का हो जाएगा तो कभी भी जब नंबर बनाएंगे तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग की पोजिशन पे यानी कि लास्ट पोजिशन पे यहां पे जीरो नहीं आ सकता तो लास्ट पोजिशन के लिए ऑप्शन कितने हैं अपने पास छह ऑप्शन है दो फाइव है बट उसके लिए बाद में भी कंसिडर करेंगे स्टार्ट में अभी हम देख रहे हैं छह लेटर्स हैं छह नंबर है हमारे पास ठीक है तो छह तरीके से फिलअप कर सकते हैं सिक्स तरीके से फिल अप कर सकते हैं एंड वंस एक लेटर हमने यहां पर फिलअप कर दिया फाइव सिक्स डिट्स अभी भी बच गई है बिकॉज अब अगले वाले पे जीरो आ सकता है यहां पहले वाले पे जीरो नहीं आ सकता था आगे तो जीरो अलाउड है तो सिक्स अभी तो भी बचे हैं यहां पे एक फिलअप कर दिया फिर फाइव बचेगा सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन यानी कि सिक्स इंटू सिक्स फैक्टोरियर

फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट numbers दैट कैन बी formed यूजिंग द डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन विद आउट such सच दैट इट इज ग्रेटर 3400. थ्री फोर डबल जीरो अच्छा हरे क्वेश्चन में अगर आप कथा की तरह सुन रहे हो तो वैसे मत सुनो ठीक है हरे क्वेश्चन है पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करना है खुद से अटेम्प्ट करना है इसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है ठीक है अगर अटक रहे हो टाइम जरूर देना है क्वेश्चन को हमेशा बिकॉज तभी बेस्ट आपकी लर्निंग होगी ठीक है इवन इफ एग्जाम के लिए टाइम कम बचाए तब भी अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपको ही करना है ना ठीक है फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी नंबर डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डिजिट से हमें फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है कोई रिपिटिशन अलाउड नहीं है और नंबर शुड बी ग्रेटर देन थ्री फोर डबल जीरो थ्री फोर डबल जीरो से बड़ा नंबर होना चाहिए यानी कि थ्री से बनने वाले जो नंबर्स होंगे तो या तो उनमें फाइव आ पाएगा थ्री फाइव से नंबर होगा या थ्री सिक्स से नंबर होगा या थ्री सेवन से नंबर होगा स्टार्टिंग में थ्री वन या टू से स्टार्ट करने वाले नंबर्स तो हमें बनाने ही नहीं है बिकॉज वो ग्रेटर डबल जीरो नहीं होंगे सो है कि नहीं अच्छा थ्री फोर से भी नंबर होगा ठीक है थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स थ्री सेवन तो थ्री से बनने वाले नंबर्स कितने होंगे हमारे पहले प्लेस पे थ्री आ गया अगले पे हमारा फोर फाइव सिक्स सेवन में से कुछ आना है यानी कि चार तरीके हो गए और इसके बाद के रोड के लिए बचे कितने हैं सेवन में से दो हट गए यानी कि फाइव बचे फाइव एंड फोर यानी कि फोर इंटू फाइव इंटू फोर एटी नंबर्स होंगे हमारे जो कि थ्री से स्टार्ट करेंगे अब इसके बाद थ्री के बाद में क्या क्या बच गए कि अगर हम स्टार्टिंग फोर फाइव सिक्स सेवन से करें यानी कि फोर थाउजेंड या उससे बड़े नंबर तो स्टार्टिंग के लिए चार ऑप्शन है और इसके बाद में कुछ भी आएगा चलेगा यानी कि सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर कितने हो गए सिक्स फाइव जीरो थर्टी थर्टी इंटू सिक्सटीन यानी कि फोर एट जीरो नंबर्स होंगे तो एट्टी प्लस फोर एट्टी टोटल नंबर्स हमारे आ जाएंगे फाइव सिक्स जीरो आंसर विल बी फाइव सिक्सटी क्लियर है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन यूजिंग ऑल द पॉसिबल वेज विदाउट रिपिटिशन ऑफ डिजिट्स तो हमें फोर डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं डिजिट्स हैं हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड वी हैव टू यूज ऑल द पॉसिबल वेज विदाउट रिपिटिशन ऑफ डिजिट्स हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजबल बाई फोर फोर्थ से डिविजिबल की प्रॉपर्टी क्या होती है अगर फोर से हमें डिवाइड करना है तो लास्ट टू डिजिट्स जो होंगी दोज शुड बी डिविजिबल बाई फोर और ऑब्वियसली इवेंट नंबर होगा तो लास्ट में या तो टू आएगा या फोर आएगा या सिक्स आएगा और जब लास्ट में टू आएगा तो या तो ट्वेल्व हो सकता है या थर्टी टू हो सकता है या फिफ्टी टू हो सकता है या सेवेंटी टू हो सकता है तो ये चार केसेस बन गए टू के लिए फोर के लिए क्या केसेस बनेंगे ट्वेंटी फोर हो सकता है फोर्टी फोर नहीं हो सकता है बिकॉज रिपीटन तो करना नहीं है सिक्सटी फोर हो सकता है दो केसेस बने चार के लिए फॉर सिक्स इधर इट विल बी सिक्सटीन और थर्टी सिक्स और फिफ्टी सिक्स सेवेंटी सिक्स सो अगेन फोर केसेस फॉर सिक्स टोटल केसेस कितने हो गए फोर प्लस टू प्लस फोर टोटल टेन केसेस हो गए लास्ट में दो डिजिट प्लेस करने के लिए अब पहले वाले दो डिजिट के लिए बात कर लेते हैं भाई लास्ट के तो केसेस बन गए हमारे लास्ट के दो डिजिट्स के लिए ठीक है पहले वाले दो प्लेसेस के लिए क्या बचा है हमारे पास अब फाइव डिजिट्स बचे हैं जिनको पहले दो प्लेसेस प्लेस अरेंज करना है तो पहले प्लेस के लिए पांच ऑप्शन है फिलअप कर दिया दूसरे के लिए चार ऑप्शन बचेंगे तो फाइव इंटू फोर इंटू टेन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर जीरो सिक्स सेवन एंड नाइन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए टू थाउजेंड से एंड स्मॉलर 7000, सेवन थाउजेंड ओके फोर डिजिट का ही नंबर है हमारा और अगर नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए टू थाउजेंड से तो जीरो या वन तो जीरो तो वैसे भी नहीं आ सकता वन भी नहीं आ सकता यहाँ पे टू चलेगा फोर चलेगा थ्री तो है ही नहीं टू फोर फाइव सिक्स चलेगा और स्मॉलर देन सेवन थाउजेंड है यानी कि सेवन और नाइन भी नहीं चलेगा ठीक है तो ये दोनों तो नहीं चलेंगे तो टू फोर फाइव सिक्स यहाँ पे चार ही पॉसिबिलिटीज़ हैं पहले वाले प्लेस में फोर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर ठीक है और एक को हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया अब बचे कितने नंबर्स हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं दो तीन चार पाँच छः टोटल एट है तो सेवन बच गए उसके अगले में सिक्स बचेंगे फिर फाइव बचेगा तो सेवन सिक्स फोर्टी टू इंटू ट्वेंटी एट फोर्टी सच क्वेश्चन क्लियर है ओके नेक्स्ट वन इन हाउ मेनी वेज कैन टेन बुक्स ऑन मैकेनिक्स एंड एट बुक्स ऑन क्वांटम फिजिक्स बी प्लेस्ड इन रो सच दैट टू बुक्स ऑन क्वांटम फिजिक्स मे नॉट बी टूगेदर क्वांटम फिजिक्स की कोई भी दो किताबें साथ में नहीं आनी चाहिए मैकेनिक्स की दस किताबें हैं क्वांटम फिजिक्स की एट बुक्स हैं और क्वांटम फिजिक्स की कोई भी दो बुक साथ में नहीं आनी चाहिए तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि टेन बुक्स जो मैकेनिक्स की है उनको रख देंगे ठीक है मैकेनिक्स की हमने दस किताबों को टेन बुक्स को रख दिया अब इसके बाद क्वांटम फिजिक्स की बुक्स इस तरह से रखनी है कि एक साथ होना है तो क्या अप्रोच होगा भाई या तो यहां पे रख दें ये जो बीच के प्लेसेस हैं अगर यहां पे हम किसी बुक को रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक ही बुक रखेंगे दो रख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है या फिर एंड पॉइंट पर रख दें तो क्योंकि टेन हमारी मैकेनिक्स की बुक्स हैं तो उनके बीच में जो प्लेसेज हैं नाइन प्लेसेज होंगे ठीक है बीच में टेन माइनस यानी नाइन प्लेसेज होंगे और दो एंड पॉइंट्स होंगे ठीक है नाइन मिडिल में होंगे और दो एंड पॉइंट्स होंगे यानी कि टोटल हमारे पास इलेवन प्लेज बुक्स रखनी है क्वांटम फिजिक्स की इलेवन में से किसी एट में रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा पर्पस सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन कह रहा है प्लेस करना है इने रो अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा है ये ध्यान देना है क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा है अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा है अरेंज करने के लिए नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए पूछ रहा है ठीक है सो 11 में से हमें 8 प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं और वहां पे हमें बुक्स रखनी है क्वांटम फिजिक्स की तो तरीके होंगे 11c8 सी एट विच इज नथिंग बट इलेवन सी थ्री सो इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन बाई सिक्स या बाई थ्री इंटू टू थ्री से काटा ऊपर थ्री बचा टू से काटा फाइव बचा फाइव फिजा फिफ्टीन वन सिक्सटी फाइव नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे और आंसर मिल भी वन सिक्स फाइव अगर इंस्टेट क्वेश्चन हमसे पूछता कि अरेंज करने के तरीके कितने होंगे ठीक है तो फिर हमें 165 तो ये आता ही आता साथ में मैकेनिक हाँ, मैकेनिक्स की बुक्स को अरेंज करना है टोटल टेन बुक्स हैं तो टेन फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज होंगी और साथ में एट बुक्स क्वांटम फिजिक्स की वो भी अरेंज होंगी एट फैक्टोरियल तरीके से तब हमारा आंसर ये होता है। अगर अरेंजमेंट पूछा जाता तो इस क्वेश्चन में आंसर 165 होगा क्लियर है एक और छोटी सी चीज जो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये सारी बुक्स सेम होती यानी कि 10 बुक्स ऑन मैकेनिक्स बट दे आर आइडेंटिकल बुक्स ठीक है कि एक ही ऑथर की दस किताबें हैं मैकेनिक्स की तब फिर उनको अरेंज करने का तरीका एक ही होता है यानी कि वन सिक्सटी फाइव तो आता ही आता लेकिन मैकेनिक्स की बुक को एक ही तरीके से अरेंज कर पाते हम अगर मैकेनिक्स की सारी की सारी बुक्स आइडेंटिकल होती भाई आइडेंटिकल बुक्स को तो एक ही तरीके से अरेंज कर पाओगे सो so? और अगर एट क्वांटम फिजिक्स की बुक्स भी आइडेंटिकल होती तो उसका भी तरीका वन ही होता बट अगर वो डिफरेंट होती तो तरीका हमारा होता उसका एट फैक्टोरियल तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन को वेरी किया जा सकता है वो साथ में इसलिए डिस्कस करते चल रहे हैं बिकॉज हमारे पास अभी स्नैप के लिए इतना टाइम नहीं है कि हम सबको सेपरेटली डिस्कस करें इसलिए एक ही क्वेश्चन में वैरायटी देखते जा रहे हैं ताकि एग्जाम में एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करें तो आपको फंसना नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला सवाल रहा है नंबर ऑफ वेज दैट फाइव मराठी थ्री इंग्लिश एंड थ्री तमिल बुक्स बी अरेज इफ द बुक्स ऑफ ईच लैंग्वेज आर टू बी टुगेदर एक लैंग्वेज की सारी किताबों को हमें एक साथ रखना है और इन सबको अरेंज करना है यानी कि मराठी की जितनी भी बुक्स हैं वो सबके सब साथ आएंगी इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं वो सबके सब साथ आएंगी तमिल की जितनी भी बुक्स हैं वो सबके सब साथ आएंगी लेकिन ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं तो मराठी की बुक्स सबसे पहले तो सारी साथ में आने वाली है एक क्लब में आने वाली है ठीक है इंग्लिश की एक साथ में क्लब होकर आने वाली है तमिल की एक साथ में क्लब होकर अरेंज होने वाली है क्लियर है बट उस पर्टिकुलर क्लबिंग में मराठी की बुक्स आपस में तो अरेंज हो सकती है तो आपस में अरेंज होगी फाइव फोर तरीके से सिमिलरली इंग्लिश की बुक्स आपस में तो अरेंज हो सकती हैं तरीके होंगे थ्री फैक्टोरियल सिमिलरली तमिल की बुक्स आपस में अरेंज होंगी थ्री फैक्टोरियल तरीके से और ये तीनों चीजें एक साथ होंगी इसके बाद में ये मराठी इंग्लिश और तमिल के जो क्लब्स हैं ये ये तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना ठीक है या तो पहले मराठी है फिर इंग्लिश आया फिर तमिल है या पहले तमिल फिर इंग्लिश फिर मराठी एंड सो ऑन तो इनके अरेंजमेंट के तरीके क्या होंगे क्योंकि तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं थ्री फैक्टोरियल तरीके से ये अरेंज होंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वैल्यू फाइव फैक्टोरियल यानी कि वन ट्वेंटी इन सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स विच इज टू वन सिक्स ठीक है सो क्या वैल्यू आ जाएगा जीरो आ गया ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करना ट्वेल्थ सिक्स सेवेंटी टू टू आया सेवन ट्वेल्थ सेवन नाइनटीन नाइन आ गया टू फाइव नाइन टू जीरो विल बी अवर आंसर ऑप्शन बी क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन फाइव डिफरेंट ग्रीन डाइज

ठीक है तो अगर पांच ग्रीन डाइज है अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती तो कितने तरीके होते हैं पांच में से हर एक ग्रीन डाई के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है या तो उसको सेलेक्ट करना है या नहीं सेलेक्ट करना है से पांच ग्रीन डाइज है जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जैसे अभी स्टार्ट में क्वेश्चन किया था जीवन के लिए भी दो चॉइस है या तो लेंगे या नहीं लेंगे जी टू को भी या तो सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे जी थ्री सेलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे जी फोर सेलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे जी फाइव सेलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे तो हर एक के लिए दो चॉइसेस अवेलेबल है यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं टू टू द पावर फाइव बट क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम एक ग्रीन डाई जरूर लेनी है ठीक है टोटल थर्टी टू वेज आए टू टू पावर फाइव वेज आए बट इसमें से वो तरीका हमें घटाना पड़ेगा जबकि सारे के सारे हमने ग्रीन डाइज को नहीं लिया है ऐसा तो एक ही तरीका होगा तो उस एक तरीके को घटा देंगे ठीक है क्लियर है फिर अब कहानी आइए तो ब्लू डाइज के बारे में ठीक है तो ब्लू डाइज में क्या है वहां भी सेम स्टोरी है टू टू पावर टोटल नंबर वेज होंगे टू टू पावर फोर और उसमें से वो एक केस अब कर देंगे जबकि कोई भी ब्लू डाई हमने नहीं लिया है बट रेड के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं तो रेड में तो टोटल नंबर वेज आ जाएंगे टू टू पावर थ्री और ये तीनों काम करने हैं हमें ठीक है ग्रीन ब्लू और रेड ये तीनों का ही सिलेक्शन करना है सिलेक्शन हो या ना हो वो एक अलग की बात है टोटल नंबर ऑफ वेज तो तीनों के बारे में सोचने हैं ठीक है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपस में टू टू पॉवर फाइव माइनस वन आ जाएगा थर्टी वन टू टू दोर माइनस वन आ जाएगा फिफ्टीन एंड टू टू पावर थ्री आ जाएगा एट अब देखो एक छोटी सी चीज और है जैसे ही थर्टी वन आ गया हमें बताया थर्टी वन इज अ प्राइम नंबर तो स्ट्रेट अवे ये टू फोर डबल जीरो थ्री सिक्स डबल जीरो सब कहाँ मल्टीपल होने वाले हैं ऑप्शन सी ही आंसर होगा क्लियरली दिख रहा है ठीक है तो जैसे ही थर्टी वन नंबर आया उसके बाद में हमें एक सेकंड लगाए बिना सीधे सीधे ऑप्शन सी को मार्क कर देना एग्जाम में पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है क्लियर है ये बात ठीक है अगर नवदीज ऑप्शन गिवन होता तो जरूर कैलकुलेट करना पड़ता है उस केस में बट इसमें करने की जरूरत नहीं है क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ लाइब्रेरी हैज़ टेन कॉपीज ऑफ बुक ए थ्री कॉपीज ईच ऑफ बुक बी एंड सी टू कॉपीज ईच ऑफ बुक्स डी ई एंड एफ एंड अ सिंगल कॉपी ऑफ बुक्स जी एंड एच द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज बुक्स कैन बी अरेज ऑन अ शेल्फ टोटल नंबर ऑफ बुक्स सबसे पहले निकालते हैं बुक ए की कॉपीज हैं कॉपीज होने का मतलब क्या है सेम बुक्स हैं ठीक है बी की कॉपीज हैं सी की कॉपीज भी हैं डी ई e, और एफ तीनों की टू टू कॉपीज हैं और जी और एच की एक एक कॉपी है टोटल कॉपीज कितनी हो गई हमारी टेन सिक्स सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू प्लस टू ट्वेंटी फोर तो आपस में अरेंज कर सकते हैं इनको फोर फैक्टोरियल तरीके से बट द पॉइंट इज देर आर टेन कॉपीज ऑफ ए यानी कि टेन के टेन के टेन सेम है तो उनका आपस का अरेंजमेंट काउंट नहीं करेगा तो टेन फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा सिमिलरली बी के लिए थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा सी के लिए भी थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा तो थ्री फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे ही डी और एफ के लिए टू फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये टू फैक्टोरियल का होल क्यूब हो जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा विच ऑप्शन इज दैट बस उसको टिक मार्क कर देना ट्वेंटी फोर फैक्टुअल अपॉन टेन फैक्ट्रेलो थ्री फैक्टोरियल का स्क्वायर और टू फैक्टोरियल का क्यूब ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सही नहीं हाउ मेनी वेज कैन ट्वेंटी वन बुक्स ऑन लिटरेचर एंड नाइनटीन बुक्स ऑन नेचर बी प्लेस इन ओरो ऑन अ शेल्फ सच दैट टू बुक्स ऑन नेचर मे नॉट बी टूगेदर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया है यहां पे भी हमें क्या करना है प्लेस करना है प्लेसड इन ओरो अरेंजमेंट नहीं करना है सिलेक्शन करना है अरेंजमेंट नहीं करना है सिलेक्शन करना है ठीक है तो कैसे हम इनको प्लेस कर सकते हैं क्या कंडीशन है नेचर की बुक्स को साथ में नहीं रखना यानी कि लिटरेचर वाली बुक्स को पहले रख देंगे बुक्स ऑन लिटरेचर जो है उसको सबसे पहले रख देंगे उन बुक्स को जैसे ही हमने रख दिया तो हमें पता है उनके बीच में मिडिल में कितने प्लेसेज होंगे ट्वेंटी वन माइनस वन यानी कि ट्वेंटी प्लेसेस होंगे और एंड पॉइंट कितने होंगे टू होंगे तो टोटल प्लेसेस हो गए हमारे ट्वेंटी प्लस टू यानी कि ट्वेंटी टू प्लेसेज हो गए जहां पे कि हम नेचर वाली बुक्स को रख सकते हैं क्लियर है और बुक्स है 19, तो ट्वेंटी टू में से हमें नाइनटीन प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं और ट्वेंटी टू सी नाइनटीन कितने के बराबर होगा दिस इक्वल टू माइनस नाइनटीन टू सी थ्री यही आंसर आ जाएगा सो दैट विल से गया सेवन बचा टू से गया टेन बचा ठीक है तो सेवन इंटू ट्वेंटी टू कितना होगा दैट विल बी वन फिफ्टी फोर सो वन फाइव फोर जीरो विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके जस्ट इनकेस अगर इसी क्वेश्चन में हमारा लिटरेचर की ट्वेंटी वन बुक्स होती हैं और नेचर की ट्वेंटी फोर बुक्स होती और क्वेश्चन यही कंडीशन देता तब क्या होता अगर नेचर की बुक्स ज्यादा होती तो ज्यादा होती हमारे पास तो प्लेसेस 22 ही रहते लिटरेचर की बुक्स से तो हम किसी भी तरीके से प्लेस नहीं कर पाते नेचर की बुक्स को कि दो बुक्स साथ में ना आए आती ही आती तय था ये तो इस केस में फिर जीरो आंसर आता हमारा ठीक है तो ये चीज भी ध्यान रखना है ठीक है हम कितनी बुक्स प्लेस कर सकते हैं हाँ या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि नेचर की मैक्सिमम कितनी बुक्स प्लेस की जा सकती है ये भी क्वेश्चन हो सकता था तो हमको पता 21 है ट्वेंटी बुक्स लिटरेचर की यानी कि ट्वेंटी हमारे पास टोटल प्लेसेस है जितने प्लेसेज हैं मैक्सिमम उतनी बुक्स प्लेस कर सकते हैं यानी कि नेचर की बुक्स हमारी जो है दो शुड हैव बीन लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी टू मैक्मम हम ट्वेंटी टू बुक्स को प्लेस कर सकते थे मिनिमम तो कितनी भी हो जाए जीरो भी हो सकता था ठीक है सो दैट इज दैट शुड बी क्लियर कि हमारा क्वेश्चन में कितना भी तरह का वेरिएशन क्यों ना आए हमें हर तरह के वेरिएशन में अपना लॉजिक जो बेसिक है वो तो सेम ही रहने वाला है ठीक है तो उसको अच्छे से समझ के चलना है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है एग्जाम में बिकॉज एग्जाम में प्रेशर में कई बार कई स्टूडेंट्स क्या है पैनिक कर जाते हैं या गलतियां कर जाते हैं या फंस जाते हैं बहुत सारे आसान सवालों को भी मिस कर जाते हैं क्योंकि आसान सवाल को अगर आपने मिस किया एग्जाम में तो डेफिनेटली आपने अपने आप को बाहर कर दिया तो कभी भी आसान सवाल को मिस नहीं करना है और बहुत मुश्किल सवाल को पिक नहीं करना है यही खेल आप सीख गए तो आधा बीड़ा पार तो इसी से हो जाता है अगला क्वेश्चन करते हैं अ फाइव डिजिट नंबर डिविजिबल बाई थ्री इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग न्यूमेरिकल्स यूजिंग डिजिट्स जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव विद रिप्लेसमेंट टोटल तो so, हमें क्या करना है बट जो नंबर बनाना है और थ्री का डिविजिलिटी क्या होता है थ्री का डिविजिलिटी होता है सम ऑफ डिजिट हमारा जो है वो डिविजल बाई थ्री होना चाहिए नहीं समिजिट शुड बी डिविजल बाई थ्री तो कुल मिला के हमें फाइव बनाना है टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं सिक्स तो सिक्स में से एक डिजिट हमें ऐसे रिमूव करनी है कि जो बची हुई पाँच हों उनका सम भी शुड बी डिविजिबल बाई थ्री तो इनका अभी कितना सम आ रहा है जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव यानी कि ये सम आ रहा है फिफ्टीन तो अभी तो हमारा सम ऑलरेडी डिविजिबल बाई थ्री आ रहा है तो अगर हम इसमें से जीरो हटा दें ठीक है जीरो को हटा दें जीरो को ना लें तो भी सम फिफ्टीन बचेगा या फिर थ्री को ना लें तब भी सम 15 बचेगा इसके अलावा किसी भी और को हटाओगे तो सम हमारा 15 नहीं बचेगा सम 12 बचेगा पर डिजिबल आई थ्री बचेगा ठीक है सो जीरो थ्री या थ्री का कोई मल्टीपल हटाते तो कोई दिक्कत नहीं होता थ्री का एक ही मल्टीपल है थ्री तो यानी कि जीरो और थ्री इन दोनों को हटा सकते हैं और किसी को हटाएंगे तो फिर सम ऑफ डिजिट्स हमारा डिजिबल आई थ्री नहीं बचेगा क्या ये बात समझ में आती है तो पहला केस हमारा हुआ जबकि वन टू थ्री फोर फाइव को हमें अरेंज करना है और सेकेंड केस होगा जबकि थ्री को हटाया हमने यानी कि जीरो वन टू फोर और फाइव को अरेंज करना है

ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देर आर फाइव बैग्स एंड सेवन बुक्स सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट अपियर इन स्नेप ट्वेंटी ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि एग्जाम में टच ही नहीं करना है दिस मस्ट बी स्किप्ड ठीक है मस्ट बी स्किप्ड बट अभी हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि अगर कोई छोटा क्वेश्चन आए इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड तो उसको आप सॉल्व कर सको देर आर फाइव बैग्स एंड सेवन बुक्स इन हाउ मेनी वेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट ऑल द बुक्स से no तो बैग में नहीं होना चाहिए और कोई बैग खाली भी नहीं होना चाहिए ठीक है अब अगर हम दोनों कंडीशन को साथ में लेके चलेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो पहले हम क्या करेंगे कि नो बैग इज एम टी से टोटल नंबर वेज निकाल लेते हैं बिना इस कंडीशन को सोचे हुए सेकेंड और फोर्थ बुक साथ में ना आए ठीक है वील सॉल्व इट टोटल नंबर वेज निकाल लेंगे भले ही सेकंड और फोर्थ बुक साथ में आ रही हो और फिर बाद में वो केसेस घटा देंगे जबकि सेकंड और फोर्थ बुक साथ में आएगी ठीक है तो पहले टोटल केसेस कैलकुलेट करेंगे एंड देन वील सब्टेक्ट दो वन सेकेंड एंड फोर्थ आर टूगेदर सबसे पहला काम क्या है टोटल केसेस निकाल लेते हैं अब क्योंकि सेवन बुक्स हैं बैग्स फाइव हैं बहुत माइंसाफी है तो कैसे अरेंज करेंगे इसको या तो हो सकता है कि भाई पहला तो एक चीज तो ये है कि सारे बैग्स में वन वन बुक रख दो पांच बुक्स तो हमारी एग्जॉस्ट हो गई दो बुक्स अभी भी बची हैं अब या तो वो दो बुक्स एक ही किसी बैग में आ जाएंगी और या फिर दो बुक्स ऐसे आएंगे कि एक बैग में एक आई और एक बैग में एक आई यानी कि दो केसेस कौन से बने एक केस हमारा बनेगा जबकि थ्री वन 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 यानी कि ये वाला केस हो गया हमारा एक एक बैग में थ्री बुक्स बाकी चार में एक एक सेकेंड केस विल बी देयर वेन देर आर टू बैग्स विद टू बुक्स एंड रेस्ट ऑफ द थ्री विद जस्ट वन बुक अब इनके नंबर ऑफ बेस कैलकुलेट करने हैं पहले वाले केस में नंबर ऑफ बेस कैसे आएंगे सबसे पहली चीज यह है कि एक बैग हमारा ऐसा है जिसमें कि थ्री बुक्स हैं ठीक है ठीके? अब वो बैग पहले सेलेक्ट करते हैं कि वो कौन सा बैग होगा क्योंकि फाइव बैग हैं फाइव बैग्स हैं तो सिलेक्शन होगा ये फाइव सीवन तरीके से एक बैग को सेलेक्ट कर लिया इसमें थ्री बुक्स हैं बाकी चारों में एक एक रखनी है तो उसमें कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं है ठीक है फाइव सीवन तरीके से हमने एक बैग को सेलेक्ट कर दिया अब इन सात बुक्स को अरेंज करना है इस तरह से कि पहले ग्रुप में तीन हो दूसरे में एक हो तीसरे में एक हो चौथे में एक हो पांचवे में एक हो ठीक है टोटल अरेंजमेंट हो गए सेवन फैक्टोरियल ठीक है सेवन बुक्स का करने के बट ऐसा समझो कि अब जैसे तीन बुक्स हैं, हमने मान लो कि बुक्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी सेवन बुक्स हैं, ठीक है अब ये जो पहले वाले तीन हैं, इनको पहले बुक में रखने, पहले बैग में रखने वाले हैं पहले मतलब जिसमें कि तीन बुक्स आने वाली हैं ठीक है सो so, इनको एक बैग में रखने वाले और बाकी एक एक के अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे अब यहां पे ये जो तीन बुक्स हैं ए बी सी अगर ये आपस में अरेंज होती हैं मान लो कि ये आ गया कि बी सी और ए और ये सब बाकी कहानी सेम रहती है तो ये तो एक ही बात हो गई ना भाई पहले वाले बुक में ए बी सी आए बी सी ए आए दोनों बात तो एक ही है तो इन चीजों का हमें डिवाइड करना पड़ेगा जहाँ पर रिपिटिशन होगा तो सेवन फैक्टोरियल तो टोटल अरेंजमेंट हो गया इसमें डिवाइड करेंगे हम थ्री फैक्टोरियल से ठीक है डिवाइड तो वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल से भी करेंगे बट वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है तो उसका डिवीजन को लिखने की जरूरत नहीं है क्या ये बात समझ में आती है कि पहले हमने क्या किया फाइव सी वन से वो बैग सेलेक्ट किया है सेलेक्टेड बैग जिसमें कि थ्री बुक्स आने वाली है और उसके बाद में इन बुक्स को आपस में अरेंज कर दिया है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ग्रुपिंग कर दी है इनकी ओके okay, तो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता तो हमारा ये आंसर होता है और हमें डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए था बट इसका मेथड तो पता होगा तब तो, तो करेंगे ठीक है अब यही सेम चीज यहां पे अप्लाई करते हैं यहां पे हमारे पास इन दिस केस आर टू बैग्स विद टू बुक्स तो इस बार हमें एक बैग नहीं सेलेक्ट करना है दो बैग सेलेक्ट करना कि वो कौन से दो बैग्स होंगे जिनमें की वी विल बी पुटिंग टू बुक्स ईच सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन टूट नाउ वी हैव टू अरेंज दीज से बुक्स इन ग्रुप्स तो सेवन फैक्टोरियल टोटल वेज होंगे एंड अगेन बाय द सेम लॉजिक टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा सो विल बी टोटल टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ वेज वेज ये आ रहे कितना आ, आ रहा है ठीक है ये आ गया एट फोर्टी इंटू फाइव यानी कि फोर टू डबल जीरो तरीके आ गया स यहां पर फाइव इंटू फोर बाई टू विच इज इक्वल टू टेन मल्टीप्लाइड टोटल थाउजेंड सिक्स प्लस थाउजेंड टू हंड्रेड आंसर ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज क्यों नहीं है क्योंकि अभी हमें केसेस अप्रैक करने हैं जबकि सेकंड और फोर्थ बुक हमारी साथ में आएगी उन केसेस को हमें अभी घटाना पड़ेगा क्या ही बात समझ में आती है ठीक है तो अब उन केसेस को भी देख लेते हैं जबकि सेकंड और फोर्थ बुक हमारी साथ में आने वाली है सबसे पहला काम करते हैं सेकंड और फोर्थ को क्लब कर देते हैं एक साथ कर देते हैं और इनको किसी एक बैग में रख देते हैं इनको किसी एक बैग में पुट कर देते हैं ठीक है तो जैसे ही हम इनको किसी एक बैग में रख रहे हैं कितने तरीके होंगे पांच बैग्स हैं तो फाइव तरीके आने वाले फाइव सीवन से हमने उस बैग को सेलेक्ट कर लिया जिसमें कि हमने इन बुक्स को रख दिया है ठीक है अब इन बुक्स को हमने रख दिया अब बची है हमारे पास फाइव बुक्स और उनको रखना है अब इन फाइव बुक्स को या तो हम पांचों बैग में एक एक रख दें अगर ऑल द फाइव बैग्स में अगर हमने एक एक बुक रखी है तो डेफिनेटली ये कौन सा केस बनेगा हमारा क्योंकि किसी एक बैग में ये दो बुक्स भी होंगे तो ये केस हमारा होगा थ्री वन 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 वाला केस जो पीछे हमने देखा था ठीक है भाई केस तो दो ही है अगर पहला वाला केस बनेगा तो यानी कि इस वाले में एक बुक रहेगी और साथ में टू और वाली बुक भी रहेगी है कि नहीं और सेकंड वाले केस में क्या है अगर ये वाला केस होगा तो एक कोई बैग हो इस होगा इसमें टू और फोर होगा यानी कि बाकी चार में हमें इन बुक्स को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा तो सेकंड केस हमारा क्या होगा जिसमें कि चार ही बैग्स में हमारी टू वन 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 करके पांच बुक्स आ जाएंगे ठीक है और ये ऑब्वियसली हमारा टू टू वन 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 वाला केस होगा

एक में टू आएगी और बाकी सब में वन 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 तो सबसे पहले क्या है इन चार बैग्स में से जो चार बैग बचे हैं उनमें से कौन से बैग में हमें दो बुक्स डालनी है पहले वो तो सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो ये सेलेक्ट करने के तरीके होंगे फोर सी वन। और फिर अरेंज करेंगे पांच बुक्स को तो फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल क्या बात समझ में आती है तो बाहर ये फाइव सी वन आ गया हमारा फाइव बाहर आ गया अंदर बचा है फैक्टोरियल यानी यानी कि कि प्लस टू फाइव एक्टर आ गया इंटू सिक्स इंटू वन टी प्लस इंटू फाइव यानी किसेज आ गए जबकि टू और फोर बुक साथ में है और ये हमारे टोटल केसेस आ गए तो हमारा आंसर हो जाएगा वन सिक्स डबल जीरो माइनस वन एट डबल जीरो सो आंसर फिफ्टीन थाउजेंड बट इतना टाइम टेकिंग और ट्रिकी और मुश्किल क्वेश्चन है कि यहां पे गलतियां होने का बहुत स्कोप है तो ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली एग्जाम में कभी भी नहीं करना और इतना टाइम लेगा तो वैसे भी सेंस नहीं बनता बट अगर इसका कोई पार्ट आता है तो हमें इसके लिए ही ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि आप उस पार्ट को या कोई क्वेश्चन आए इसी फॉर्मेट में जहां पर वैल्यूज ईजी हो कैलकुलेशन ईजी हो और इतना डेटा नहीं हो तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है ठीक है सो आई गेस दीज आर ऑल द दैट इन लास्ट ऑलमोस्ट टेन ईयर इन परमेशन एंड कॉम्बिनेशन जो स्नैप के एग्ज़ाम में आए हैं हमने सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया उनके थोड़े बहुत वेरिएशंस को भी डिस्कस किया है आई बिलीव सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे ठीक है अगर कहीं पे फिर भी डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा सेशन अगर पसंद आया है तो उसको लाइक like जरूर करना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना है एंड आई अगेन रिपीट कि अगर आपको फिर भी कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट है कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा कितना भी बेसिक डाउट क्यों ना हो

क्वेश्चन को अगर आपको एक बार अप्रोच क्लियर हो गया तो हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो भी प्रीवियस में आए तो उसके बाद आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे ओके इतना ही इस सेशन में बाय टेक केयर ख्याल रखिए पढ़ते रहिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में